ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा गुरु है, इसे हमें वापस कीजिए। हम शहजादे सलीम हैं, हमें ये घुंघरू पसंद है, हम तुम्हें ये नहीं देंगे। वाह, जो चीज आपको पसंद आ गई वो आपकी हो गई। देखो ये हमारा है, हमें हमारी अम्मी जान ने हमें दिया है। मगर ये तुमसे खो गया था और हमें मिला, अब से ये हमारा है। ये लो, इसे भी रख लो। अरे अभी तो तुम एक ही के लिए लड़ रही थी, अब दूसरा भी? क्योंकि हमारी अम्मी जान कहती हैं, जोड़ियां कभी टूटती नहीं। ये लो, इसे रख लो और इसे जोड़ी में रहने दो। आपने पहली वाली छीनी थी ना, तो इसे तोहफा समझ कर रख लीजिए। लेकिन तुम बिना घुंघरू के नाचोगी कैसे? आवाज खाले घुंघरू से नहीं आती। ये देखो, देख क्या रहे हो? ये घुंघरू रख लो, जब नाचोगे तो काम आएगा। गुस्ताख होने वाले शहंशाह से कोई ऐसा बात करता है? कितने छोटे हो तुम, शहंशाह की उंगली जितने। जब शहंशाह बनोगे तब आना, इज्जत भी मिलेगी और अदब भी। आइए सब लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। अब तो सलीम भाईजान की दाद पक्की है। हाँ, घुंघरू की आवाज आ रही है। क्या बात है? दस्तरखान में किस तरह की कसर पसर हो रही है? मुराद भाईजान कह रहे हैं कि सलीम भाईजान कुछ छुपा रहे हैं। देखो बाबा, क्या तुमसे कुछ छुपा रहे हैं? ये छुपा रहे हैं शहजादे सलीम। ये
ये घुंघरू आपको कहाँ मिले शेखू बाबा? वो हम घूम रहे थे तो हमें ये वहाँ मिले। इन घुंघरू को मार दीजिए। आप वहीं रुकिए जोधा बेगम। देखो बाबा, तुम्हारे सामने ये घुंघरू है और ये शमशीर है। अब आपको तय करना है कि आपको इन दोनों में से क्या पसंद है। ये मामूली से घुंघरू या फिर शहंशाह की शमशीर? शहंशाह आप? शेखू बाबा, हमें लगता है कि आपको ये शमशीर पसंद होनी चाहिए। क्या हुआ शेखू बाबा? ये शमशीर बहुत भारी है बहुजुर्ग। हमने आपसे ये नहीं पूछा कि शमशीर भारी है या नहीं, हमने आपसे पूछा कि आपको इन दोनों में से क्या पसंद है, ये शमशीर या ये घुंघरू? हमें घुंघरू की आवाज पसंद है, हमें शमशीर से डर लगता है। आपको घुंघरू की आवाज पसंद है क्योंकि शायद आज तक आप शमशीर की आवाज से ना वाकिफ है। हम आपके वालिद हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हर हाल में हम आपको इस शमशीर से मोहब्बत करवाएं। इसलिए कल सुबह आप सब बच्चे मैदान में इकट्ठा होंगे। तब हम आप सबको बताना चाहेंगे कि घुंघरू से ज्यादा मौसीकी शमशीर की आवाज में होती है। अम्मी जान, कल क्या होगा? जो शहंशाह हमसे गुस्सा होंगे। आप चिंता मत कीजिए सलीम, आपके पिता हैं वो, जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। वैसे ये घुंघरू आप लाए कहाँ से, किसके हैं? एक गुस्ताख और मगरूर लड़की के हैं। वो हमसे छोटी है पर दिखती बड़ी है और बातें भी बड़ी बड़ी करती है। फिर आप उनके घुंघरू ले क्यों आए? उसकी गुस्ताखी से चिढ़ गए थे इसीलिए ले आए। सलीम, ये गलत बात होती है। बेटा, शहजादों को हमेशा देना शोभा देता है, लेना नहीं। लेकिन हमें ये गिरे हुए मिले इसीलिए। हर पाई हुई चीज पर अपना अधिकार नहीं होता है और अच्छे बच्चे जिनकी चीज होती है उन्हें लौटा देते हैं। लेकिन अब ये हमारे है ना। तो सलीम, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है। क्या करोगे आप इन घुंघरू का? कोई उपयोग कर सकते हो उनका? हाँ। कैसे? नाचना आता है तुम्हें? नहीं। तो फिर जिसे नाचना आता है आप ये घुंघरू उन्हें लौटा दो, ठीक है? मगर अम्मी जान, ये हमारी चीज है, हम इसे नहीं देंगे और उस नक्चड़ी लड़की को तो बिल्कुल नहीं। लड़कियों से झगड़ा करोगे तुम? हाँ, क्योंकि हमें लड़कियां पसंद नहीं। क्योंकि अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तो ये नापसंद पसंद में बदल जाएगी। मगर लड़कियां नक्चड़ी होती है। अरे क्यों, हम भी तो लड़की है। आपकी और दादी जान की बात कुछ और है। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया उस लड़की ने जो आप इतने क्रोधित हैं उनसे? हमने कहा हम होने वाले शहंशाह हैं, कहा कि हम इतने से शहंशाह की उंगली से भी छोटे। उसने कहा जब शहंशाह बन जाओ तब आना। सलीम, हमारी बात सुनो।
एक बात सदा अपने जीवन में ध्यान रखना, हमेशा महिलाओं का सम्मान करना। और यदि तुम्हें लगे कि कोई तुमसे अधिक चतुर है या समझदार है, तो इस बात को स्वीकार कर लेना कि वो तुमसे श्रेष्ठ है, और कभी उसे चिढ़ना मत, बल्कि उसको मान देना। बेटा, शहंशाहों से, शहजादों से सब लोग भयभीत रहते हैं, और यदि ऐसे में कोई जानता है कि तुम शहंशाह के बेटे हो, तब भी तुम्हारी गलती में सुधार लाता है, तो वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। और सच्चे मित्र से झगड़ा थोड़ी ना करते हैं, उन्हें तो सदा अपने पास रखते हैं। इसलिए ये घुंघरू जिसके हैं, आप उन्हें लौटा दीजिए। लेकिन अम्मी जान। सलीम, हमने आपको भी समझाया ना, अपनी माँ की बात नहीं मानेंगे आप? ठीक है। लो। जरा भी अकल है तुम्हें? शहजादे से इस तरह से बात करते हैं? हमने क्या गलत कहा अम्मी जान? उसने हमारा एक घुंघरू रख लिया, हमने कहा दूसरा भी रख लो, जोड़ियां तोड़ते नहीं है ना। वैसे भी इतना बड़ा शहजादा होने के बाद भी उसने घुंघरू के लिए जिद की। बेटा, वो शहजादे हैं और हम छोटे लोग। छोटे लोग बड़ा गुरूर नहीं रखते हैं, और वैसे भी शहंशाह के रहमो करम से हम यहाँ पे जी रहे हैं। तुम्हारे अब्बू तबलची हैं, तानसेन साहब के साथ संगत करते हैं वो, और तुम इस तरह से बात कराई शहजादे से? हमें ये सब कुछ नहीं पता अम्मी जान, हमें दूसरे घुंघरू चाहिए, नहीं तो गुरुजी हमें बहुत डांटेंगे। क्या हुआ चौथा भाई? हम सलीम को लेकर बहुत चिंतित हैं। माना कि उसने गलती की है, परंतु आप क्या करने वाले हैं? और आपको क्या लगता है? हमें यहाँ पर पूरा विश्वास है, आप जो भी करेंगे उचित करेंगे। बस इस बात का स्मरण रखिएगा कि अभी वो बहुत छोटा बालक है। जानते हैं, और इतना भी समझते हैं कि किसी भी कला, किसी भी फन की तरफ अपना रुझान दिखाना कोई गलत बात नहीं है। हमारा भी तो रुझान है ना मौसीकी की तरफ। लेकिन शेख वो बाबा मुगल सल्तनत के होने वाले बादशाह हैं। हम बस चाहते हैं कि वो शमशीर से भी अपनी मोहब्बत करें। आपको जो करना है कीजिएगा, बस अधिक कठोरता मत दिखाइएगा उस पर। हम खामा खाई फिक्रमंद हो रहे हैं, क्या वो हमारे बच्चे नहीं? शेखो बाबा हमारे भी बच्चे हैं, जोधा बेगम हमें भी उनके मुस्तकबिल की फिक्र है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो शमशीर से भी मोहब्बत करें। ऐसे ही बात माननी होगी जोधा बेगम, बिल्कुल आप पर गए। चलिए, आपने इस बात की स्वीकृति तो दी। माननी ही थी। क्या आप जानते हैं कि जब हमने पहली बार आपको देखा था, हमें बहुत हंसी आ गई थी। क्यों, हम इतने बुरे लगे थे आपको? और वैसे भी इस बात का सलीम से क्या लेना देना? आप हमें बुरे नहीं लगे थे, बस हमने देखा था कि आप कितनी छोटी सी हैं, कितनी मासूम सी हैं, बिल्कुल इतनी सी थी आप जोधा बेगम। इतने छोटे भी नहीं थे हम। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना, जब देखो तब हमारा उपहास उड़ाते रहते हो आप। बस एक और बात पर शेखो बाबा आप पर गए हैं जोधा बेगम, आप हमें हंसी रखती हैं, वो भी हमें बड़े प्यारे लगते हैं। शायद यही वजह है जो शेखो बाबा से हमें इतनी मोहब्बत है। बहुत खूब। तक लिया।
धीरे धीरे शहजादे सलीम के शौक सामने आ गए। शमशीर से ज्यादा उन्हें घुंघरू से मोहब्बत है और ये बात हमारे हक में है। इतने सारे घुंघरू, इतने सारे शमशेर, क्या करना चाहते हैं शहंशाह? आपका डर है भाईजान? आपकी वजह से ही तो हम सब इस मुश्किल में पड़े हैं। ना आप वो घुंघरू लाते, ना हमें शहंशाह का फरमान आता। अब शहंशाह जो भी कहेंगे पहले आपको करना पड़ेगा। आप कहीं नहीं जा सकते। न जाने जलाल के जहन में क्या है। अगर शहंशाह ने कुछ करने का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आखिर औलाद उनकी भी तो है। हार हो गई अभी का, मगर बच्चे इतने छोटे हैं, घबराहट तो होगी ही ना। शेखो बाबा, ये हमारे सामने आकर खड़े हो जाए। से जी शहंशाह। सलीम, याद रखना, चाहे जो हो जाए, अपना मुंह शहंशाह से परे ना हटाना। ये शहंशाह को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ठीक है? Cut it, 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 c
पता नहीं घुंघरुओं और तलवार की जुगलबंदी से शहंशाह शेखू को क्या समझाना चाहते हैं।